खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ट्राई कर रहे हैं इसे बहुत ही क्लासी वे में शूट करने के लिए, और असलम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैंने उनका काम देखा है, ही इज़ वंडरफुल एज अ डायरेक्टर। सो आई एम रियली वेरी किक्ड अबाउट द सॉन्ग, दैट द सॉन्ग इज़ रियली गोना डू गुड, और गाना भी अच्छा ही है, एंड पिक्चराइजेशन उसको बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। सो आई एम श्योर बाहर कुछ अच्छा ही आएगा। हेटर्स गोना से, let them say is all I can say, and another thing is कि ट्रोलर्स मेरी ज़िंदगी में इतना अहम रोल प्ले नहीं करते हैं, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, मुझे पता है, एज़ फार एज़ मेरे आस पास लोगों को पता है, मुझे और किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। सो जिनको जो लिखना है वो लिखते रहें, एंड इट्स फाइन, वो और नंबर्स बढ़ा रहे हैं कॉमेंट्स के, और कुछ नहीं, सो इट्स फाइन। हाँ, लेकिन काफ़ी टाइम बाद डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, काफ़ी म्यूज़िक वीडियोज़ डायरेक्ट करता रहता हूँ, एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट माई 16th म्यूज़िक वीडियो जो भी डायरेक्ट कर रहा हूँ, बट ये बहुत स्पेशल है बिकॉज इसके अंदर फर्स्ट टाइम बहुत बड़े टीवी एक्टर्स के साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ। सारा एंड अंगद, बोथ ऑफ देम आर देयर इन द वीडियो, विच इज़ ब्रिलियंट, एंड इट्स अ रोमांटिक ट्रैक। जो गाना है वो काफ़ी रोमांटिक है, सेंशुअल है, जैसे आप सेंशुअल गाने देखते हैं फिल्मों के अंदर, उसी तरह से हम लोग इसको प्रेजेंट करने की और शूट करने की ट्राई कर रहे हैं, और अभी तक बहुत ही कमाल का वीडियो शूट हुआ है। और इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा कैच है स्टोरी के अंदर, जो अभी हम किसी को रिवील नहीं कर रहे हैं, और जब ये वीडियो बाहर आएगा तभी आपको पता चलेगा। सो काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट होंगे, इस वीडियो के अगेंस्ट, मुझे पूरा यकीन है, और हमारे पास उसके जवाब भी तैयार हैं। अगर वो इसके खिलाफ जाते हैं, इस वीडियो के खिलाफ जाते हैं, तो वी आर ऑल रेडी, और हमें पता है कि हमें जवाब में क्या बोलना है उनको। अंगद मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों साथ में बहुत मजे करते हैं, और वी लुक फॉरवर्ड टू वर्क टुगेदर। तो ये जब अपॉर्चुनिटी हमें मिली साथ में काम करने की, मैंने जब असलम को अंगद के बारे में सजेस्ट किया, ही वाज रियली वेरी कीन के यस श्योर, एंड विदाई पेयर एवरीबॉडी मिसेज हम दोनों को साथ में देखना, सबको कितना पसंद है, लाइक वी सी दैट एवरी टाइम, तो बहुत ही ज्यादा यू नो एक्साइटमेंट हो गया, ओ गॉड आई गया, ओ माय गॉड। सो एनीवेज या सो ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मी, एंड टुडे ही इज सिटिंग, आज इसको नींद नहीं आई मेरे साथ काम जो कर रहे हैं। ओके, क्या मतलब कुछ मेमोरीज ताजा हुई अगर आप शेयर करना चाहें? ऑफ कोर्स, हमें आज ही हम लोग बात कर रहे थे, फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे बिकनी थी, वहां पे साड़ी होती थी साधना के टाइम पे। एक्चुअली दो शोज में हमने रोमांस किया है, एक विदाई में और रामलीला
जोड़ी में सौभाग्य लक्ष्मी में हाँ तीन शोज तीन किए हैं, लेकिन वो ये कि लोग जो जैसे हमारे फैन क्लब्स हैं और आज भी लोग हम वेट करते हैं हमारे परफॉर्मेंस की या हम साथ में इंटरव्यू भी देंगे तो भी सब लोग इतने खुश हो जाते हैं, इतने कमेंट्स आते हैं और थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर दैट या क्योंकि आज तक लोग हमें प्यार करते हैं जितने फैंस हैं और उनको वेट होती है हमारे एक इंटरव्यू भी अगर हम एक पिक्चर भी डाल दें तो वो लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं तो आई थिंक ये सारी उनका प्यार है जो आज भी हम लोग इतने 10 सालों से हम साथ में काम कर रहे हैं और इनफैक्ट अभी 2 महीने से तो हम हर एक हमने अभी लाल इश्क किया है जज्बात टुगेदर देन वी डिड लाल इश्क देन वी आर डूइंग दिस सॉन्ग और अभी हम एक और आई एम मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म सो अंगद इज द हीरो इन दैट सो ये मुझे डेट्स जैसी देगा तो हम आपको फिर से मिलेंगे हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं इनफैक्ट ये गाना फुल ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी ही है इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है जो अभी मैं बता नहीं सकता हूँ आपको इसके अलावा जो सहारा और अंगद की केमिस्ट्री है और जो हम लोगों ने सीन्स शूट किए हैं वो काफ़ी पैशनेट हैं काफ़ी हॉट हैं लेकिन ये जो कैरेक्टर प्ले कर रही है सहारा उसके ऊपर बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी होने वाली है मुझे पूरा यकीन है एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे पास उसका जवाब भी है सो इतने साल से हम साथ में काम कर रहे हैं तो हम दोनों में वो चीज़ एक तो नेचुरली टाइम के साथ साथ भी आ जाता है और दूसरी चीज़ ये था हम शुरू से ही इतने अच्छे को एक्टर्स थे इतने कंफर्टेबल रहते थे एक दूसरे के साथ तो आज भी वही है तो हर चीज़ के लिए इट्स वेरी कंफर्टेबल या बिल्कुल सारा ने सही कहा क्योंकि आज हम लोगों को 10 साल हो गए साथ में काम कर कहीं ना कहीं हम लोगों ने साथ ही शुरुआत की है और अब तो ये सीख गया है तो इतनी प्रॉब्लम भी और मैंने भी इसको इतना कुछ सिखाया इतनी सीखी है मुझसे इतनी पॉलिश हो गई है लेकिन हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज में क्योंकि कहीं ना कहीं बॉन्डिंग हाँ कहीं ना कहीं वो एक फैमिली वाला फील आ जाता है तो अब आप अपने घर में भी शर्ट उतार के घूमते हो और अगर आप वही मतलब वही फील सबसे बड़ी बात ये की परी His wife is also very comfortable if he's doing some. अगर यही मैं किसी और के साथ करूँ तो शायद वो एक टाइम मुझे पूछेगी कौन थी क्या थी. Because Pari knows, वो भी 10 साल से देखती है, जानती है हम लोगों को कि what kind of friendship we share. So yeah, so the best part is this. कि किसी और के साथ काम करने में ऐसा लगता है girlfriend या wife को मिलता है ना थोड़ा awkward लगता है. But Pari के साथ मुझे पता है कि even if she's standing here and we have to do a romancing scene, we can do it easily. In fact, वो हंस रही होगी कि क्या कर रहे हैं. बारे में मैसेज आप हमें देंगे तो आप लोग प्लीज 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 इस सॉन्ग को जरूर देखिएगा डाउनलोड भी कीजिएगा जब ये आए 1 महीने के बाद ये रिलीज होगा और जितने भी लोग हमें साथ में देखना चाहते हैं प्यार करते हैं आप लोगों के लिए ट्रीट होगी गाना तो जान है पूरे वीडियो की जान जो है वो गाना ही है बेसिकली देखा जाए तो हम पहले यही देखते हैं कि गाना कितना अच्छा है जब हमें गाना अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ इसको हम ब्यूटीफुली शूट कर सकते हैं जस्टिस दे सकते हैं तो ही हम लोग वीडियो की प्लानिंग करते हैं तो गाना मुझे लगता है अल्ताफ सैयद बहुत ही अच्छे सिंगर हैं मैंने उनके साथ बहुत काम किया है काफ़ी वीडियोज़ किए हैं काफ़ी हिट गाने दिए उन्होंने ये मुझे लगता है उनकी करियर का सबसे बड़ा हिट गाना होने वाला है ऐसा मेरा यकीन ही नहीं है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये गाना जो है बहुत ही अच्छा होगा उनके करियर के लिए और देखते हैं फिर रिलीज़ होने के बाद कितना सही होता हूँ मैं 1.5 महीने बाद मेरे ख्याल से मिड ऑफ अक्टूबर वुड बी द राइट टाइम जब हम इस वीडियो को रिलीज़ करेंगे जी म्यूज़िक ही रिलीज़ करेगा इसे उनको गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और मुझे पूरा यकीन है वीडियो उन्हें उससे भी ज़्यादा पसंद आएगा